हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से स्टार्ट करने जाने वाले अपनी बहुत ही ज़्यादा पुरानी सीरीज, जिसमें हम खेलने जाने वाले छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़े मोबाइल गेम। तो गाइस, ये फाइनली हमारे होने वाली है सस्ती मोबाइल की सर्वाइवल सीरीज, जहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेलेंगे जैसे कि मोबाइल से रिलेटेड। एंड गाइस, ये सीरीज जो थी हमने काफ़ी लंबे टाइम पहले स्टार्ट कर ली थी, जिसमें हमने राफ्ट सर्वाइवल खेला था, लास्ट पायरेट ऑफ द सर्वाइवल्स खेला था। एंड यही सीरीज जो थी ना गाइज, हमारे चैनल की काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल सीरीज रही। तो फाइनली गाइज, मैंने डिसाइड करा अब वो सीरीज जो है मैं दोबारा से स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड गाइज, ये हमारा उस सीरीज को होने वाला है पहला वीडियो। तो गाइज, आज हम खेल रहे हैं राफ्ट सर्वाइवल। पर गाइज, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एंड ये जो सीरीज है, ये इस सीरीज का गाइज डेली आपको 12:14 में एक वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से अपना वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो फाइनली गाइज, यहाँ पे हमारी जो एयरक्राफ्ट थी गई भेज पानी। तो चलिए गाइज, यहाँ पे मैं मरा तो नहीं, एंड गलती से एक राफ्ट के ऊपर आया था। एंड मेरे को लगता है अब मेरे को जो है ना, ये राफ्ट में सर्वाइव करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि हम कितना सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, यहाँ पे गाइस एक स्टोरेज बॉक्सेस है, तो उस स्टोरेज बॉक्सेस को तो मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, ये शार्क है, क्या हम इस शार्क से मिल सकते हैं? तो चलो गाइस, ऐसे करते ना, फटाफट से यहाँ पे से नीचे उतारते हैं। ओके गाइस, नीचे मैं अभी उतर नहीं सकता, पहले मेरे को ट्यूटोरियल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि मछली पकड़ने के लिए नेट बनाओ। तो चलो गाइस, फटाफट से हम फिशिंग नेट बनाते हैं एंड यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। लगता है गाइस, ये जो फिशिंग नेट है, ये मछली पकड़ने के काम आएगी। तो चलो फटाफट से यार मछली भी पकड़ ही लेते हैं यहाँ पे। ओके, टैप टू एंकर। तो अच्छा गाइस, मछली के लिए खाना रखने के लिए। तो फाइनली गाइस, हमने मछली पकड़ने के लिए एंकर डाल दिया। एंड देखते हैं गाइस कि कितना टाइम लगेगा। तो फाइनली गाइस, हमने अपनी पहली फिश जो है यहाँ पे पकड़ दिया। एंड फटाफट से गाइस, उस फिश को हम खा लेते हैं, क्योंकि हम जो है ना गाइस काफी लंबे टाइम से भूखे हैं। ओके गाइस, यहाँ पे द नेक्स्ट रेडी, नाउ आई नीड टू टेक केयर टू फाइंड अ ड्रिंकिंग वाटर। ओके गाइस, यहाँ पे मेरे को पानी की जरूरत है। तो लगता है मेरे को यहाँ पे पानी का कुछ मशीन वगैरह बनानी पड़ेगी, जो कि रैन से बारिश का पानी कैच करेगा। तो देखते हैं, चलो वो चीज़ हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा वुड वगैरह पकड़ लेता हूँ। एंड वुड पकड़ने के लिए गाइस, मेरे को कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने रैन कैचर जो है और अपने के लिए क्राफ्ट कर लेते। एंड अपनी राफ्ट में गाइस एकदम कोने में प्लेस करेंगे। ओके गाइस, फाइनली यहाँ पे जो मैंने रेन कैचर है वो भी प्लेस कर दिया है। और अब देखते हैं, चलो वाटर बॉटल भर लेते हैं गाइस उसको फटाफट से। तो फाइनली गाइस, हमें पानी का जुगाड़ हो चुका है, अब मैं खाने का जुगाड़ हो चुका है। एंड अब देखते हैं कि अभी हमें क्या क्या करना है। लगता है गाइस, मैं थोड़ा सा वुड्स वगैरह फार्म करता हूँ। ओके, चलो यार, प्यास काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है, तो ऐसे करते ना, पानी वगैरह पी लेते हैं। यार, पे टू विन का सामान दूर रखो अपने से, हम पैसा तो गेम पे लगाएगा नहीं। ओके, आई नीड टू एक्सपेंड द राफ्ट। ओके गाइस, फाइनली अब मेरे को जो है ना अपने राफ्ट को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, फटाफट से जो है ना अपनी राफ्ट को एक्सपेंड कर लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे अपन लोग राफ्ट को एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा। तो फाइनली गाइस, मेरे पास इतना ही सामान था कि मैं राफ्ट को इतना ही एक्सपेंड कर पाऊँ। अभी मेरे को थोड़ा सा यार और वुड्स वगैरह कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी इट विल बी डिफिकल्ट टू कैच द रिसोर्स इस टाइम, सो यू नीड टू बिल्ड अ नेक्स्ट कैचिंग रिसोर्स। गाइस, फाइनली यहाँ पे मेरे को ना रिसोर्स कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलो गाइस, ऐसे करते हैं ना, एक नेट क्राफ्ट करते हैं जिससे हम रिसोर्सेज वगैरह गैदर कर सकें। तो चलो इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। ओके गाइस, फाइनली मैंने रिसोर्सेज कैच करने के लिए एक क्राफ्ट तो लगा दिया है। एंड उसमें से मेरे को कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मिला, थोड़ा सा रिसोर्सेज मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। ओके, आई नीड टू क्राफ्ट अ चेस्ट। लगता है गाइस, मेरे को यहाँ पे स्टोरेज चेस्ट वगैरह बनानी पड़ेगी, जहाँ पे जो है ना मैं अपना काफ़ी ज़्यादा सामान पुट कर सकता हूँ। तो चलो गाइस, ये हम जो है ना एक चेस्ट बना लेते हैं एंड इसको हम बगल में प्लेस कर देंगे। चलो गाइस, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ओके गाइस, फाइनली यहाँ पे जो है हमने चेस्ट भी प्लेस कर लिया है। अभी देखना पड़ेगा अभी मेरे को क्या करना है यहाँ पे। लगता है यार मेरे को थोड़ा सा ना राफ्ट को एक्सपेंड करना पड़ेगा अभी,
प्रोडक्शन में चलते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे मैं रडार बना रहा हूँ अपने लिए, जहाँ पे से मेरे को थोड़े थोड़े छोटे आइसलैंड है उनके बारे में पता चलेगा। तो फाइनली रडार को जो है ना गाइस हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। ओपन द वर्ल्ड इज वेटिंग, लगता है गाइस मेरे को वर्ल्ड जो है ना वेट कर रहा है। तो चलो फटाफट से रडार को चेकआउट करते हैं एंड देखते हैं कि हमारे बगल में कौन सा छोटा सा आइलैंड है। एंड अगर आइलैंड गाइस हमारा काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगा तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि उस आइलैंड में चलते हैं एंड वहाँ को एक्सप्लोर करके आएंगे। तो वो आइलैंड में गाइस हम कुछ देर बाद चलेंगे, तो अब तक हम जो है ना थोड़ा सा वुड वगैरह फार्म कर लेते हैं अपने के। एंड ये शार्क जो है इसको हम पकड़ सकते हैं क्या? तो चलो गाइस ऐसे करते हैं, इस शार्क के पास जाएंगे। पर यार ये एंकर से तो आ ही नहीं रही हुक से, गाइस मेरे को कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा। चलो मैं जितने भी ये चेस्ट वगैरह है सारे के सारे चेस्ट जो है अपने बेस में लेके आता हूँ। ओपन करने के लिए गाइस मेरे को काफी ज्यादा पैसा लग रहा है, तो मैं पैसा तो कैसे लगाऊंगा नहीं इसमें। हाँ चलो मेरे पास खाने का बोतल है, पानी का बोतल है, ऐसा करते हैं ना गाइस चलो हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए चलते हैं। एंड मेरे को एक गाइस यहाँ पे एक विंडो भी अनलॉक हो चुकी है जो कि हम कुछ देर बाद बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले मैं ये चेस्ट उठा दूँ यार, इस चेस्ट से लगता है मेरे को कुछ मिलेगा। ओके ये मेरे को राफ्ट में लगाने के लिए बोल रहा है, तो फटाफट से गाइस इसको हम ऐसे करते हैं यहाँ पे राफ्ट में प्लेस कर देते हैं। ओपन द सूटकेस, ओपन करें। तो गाइस यहाँ पे मेरे को टाइमर लग रखा है अराउंड एक घंटे में जो ये सूटकेस है ओपन हो जाएगा। तो अभी जो है ना गाइस हमको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ऐसे करते हो गाइस मेरे को जितने भी ये सूट गाइस मिलेंगे सारे के सारे गाइस हम उठा के अपनी राफ्ट में प्लेस कर देंगे एंड बाद में ओपन करके देखेंगे गाइस अंदर से अपने को क्या मिलता है। तो मैं बूट्स वगैरह लेकर आ रहा हूँ गाइस, जल्द से जल्द जो है ना बूट्स वगैरह डाल देते पानी से, क्योंकि हमें जो है ना अभी भी अपना राफ्ट काफी ज्यादा बड़ा करना है। तो एक को मेरे को एक और चेस्ट मिला, ये चेस्ट जो है ना मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ओके गाइस यहाँ पे मैंने एक और चेस्ट प्लेस कर दिया। तो गाइस मेरे पास अराउंड दो चेस्ट हो चुकी हैं, लगता है आप मेरे को काफी ज्यादा यहाँ पे से सामान वगैरह मिल जाएगा। चलो मेरा आपको थोड़ा सा और एक्सपेक्ट करता हूँ, यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ओके गाइस तो अपना राफ्ट जो है ना काफी ज्यादा यहाँ पे बड़ा हो चुका है एंड इतना ही मेरे रिसोर्स था कि मैं अपने राफ्ट को इतना ही बड़ा कर सकूँ। और यहाँ पे मेरे को एक और स्टोरेज चेस्ट मिला, वो स्टोरेज चेस्ट जो है ना मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। यार अभी तक गाइस मेरे को सामान वाला स्टोरेज नहीं मिला, जो कि कंटेनर होता है उसके अंदर काफी अच्छा सामान रहता है, पर अभी तक यार वही वाला स्टोरेज नहीं मिला मेरे को। ओके ये मिला गाइस, उससे भी मेरे को काफी अच्छा अच्छा सामान मिला। देखना देखा गाइस वुड मिला, ये मिला और काफी और चीज। आज अब ये कबाड़ भी गाइस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी आपको पता नहीं होगा पर कबाड़ भी यहाँ पे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं सारा का सारा जो कचरा है ना वो भी उठा लेता हूँ, मैं देखते हैं नेट में क्या आया। ओके गाइस अभी नेट में तो कुछ नहीं आया, अराउंड 7 से 8 मिनट बाद जो है नेट में थोड़ा सा सामान वगैरह फंस ही जाएगा। पर यार ये तो बेकार है, उससे अच्छा तो गाइस मेरा हाथ है एटलीस्ट यार काफी जल्दी जल्दी तो चीज कलेक्ट कर रहा है। ओके गाइस यहाँ पे जो है ना मेरा अराउंड लेवल 4 हो चुका है एंड मेरे पास जो है ना कुछ और रिसोर्सेज यहाँ पे अनलॉक हो गए। तो देखते हैं गाइस क्या क्या रिसोर्सेज जो है ना वो अनलॉक हुए। गाइस आई थिंक वर्कबेंच, हाँ गाइस वर्क बेंच जो है ना हमारी अनलॉक हो चुकी है, तो मैं आपको वो वर्क बेंच दिखाता हूँ। सर्वाइवल में होगा। ओके गाइस ये रहा वर्कशॉप, तो लगता है गाइस इस वर्कशॉप से जो है ना हम काफी ज्यादा और चीज क्राफ्ट कर सकते हैं। तो गाइस वर्कशॉप जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे उसके बारे में, मे बी गाइस नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट वीक आए। तो चलो गाइस यहाँ पे मैंने जो है ना कैंप फायर लगाया है जिसमें मैं अपना फूड वगैरह कुक कर सकता हूँ। तो जल्दी से जल्द एक फिश पकड़ता हूँ एंड अपना फूड जो है ना वो कुक करूँगा। चलो गाइस अब टाइम आ चुका है यहाँ पे से निकलने का, तो फाइनली हम एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं एक छोटा सा आइलैंड को एंड देखेंगे क्या हमें वहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह मिलता है या नहीं मिलता, कि क्या कहानी है वहाँ।
सो फाइनली गाइज यहाँ पे मेरे को एक रिसोर्सेस तो ये एक आइलैंड तो मिला, तो क्या बोलते हो गाइज, ट्रैफिकर आइलैंड चले गाइज। हाँ यार ऐसे करते ना, उधर तो जाना बनता ही है, तो चलिए गाइज फटाफट से उस वाले आइलैंड पे चलते हैं एंड वहाँ एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे अपन को क्या मिलता है। चलो एंटर हो जाओ फटाफट से। सो फाइनली गाइज मैं उस वाले आइलैंड में पहुंच चुका हूँ एंड अब देखते हैं गाइज कि हमें वहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो आप लोग बताइए गाइज आपको क्या लगता है कि वहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा। यार मेरे को सबसे पहले अपने के लिए रेगुलर बैकपैक बनाना पड़ेगा, जिससे गाइज मेरा बैकपैक की जो लिमिट है एटलीस्ट यार 400-500 स्लॉट बढ़ जाए। तो जी हाँ गाइज, अब चलो बैकपैक के मेरे पास अराउंड 500 स्लॉट है, तो यहाँ पे मेरे को कुछ सीड्स मिले। अरे इसको कलेक्ट किस तरीके से करना है, ओके यहाँ पे ये हमारा कलेक्ट हो चुका है। और कुछ मेरे को यहाँ पे मशरूम्स मिले, तो फटाफट से यार ये मशरूम मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे और क्या मिलेगा, ओके यार यहाँ पे वुड्स वगैरह काफी ज्यादा है, तो लगता है गाइस मैं यहाँ पे वुड्स वगैरह भी फार्म कर सकता हूँ। भैया मेरे पास अभी जो है ना एक्स नहीं है, देखना पड़ेगा गाइस अगर मेरे को रिसोर्सेस वगैरह मिलेंगे तो मैं यहाँ पे एक्स क्राफ्ट करके जितना भी सारा वुड्स है ना गाइस ये सारा का सारा वुड्स मैं लेके अपने बेस में जाऊंगा। पर यार अपने पास तो एक्स है नहीं एंड उसको क्राफ्ट करने के लिए देखना पड़ेगा गाइस क्या क्या रिसोर्सेस लगता है। गाइस यहाँ पे एक रोप लगती है, एक वुड लगता है, तो मेरे पास गाइस रोप वगैरह तो है नहीं एंड वुड तो मेरे को राफ्ट से कलेक्ट करना पड़ेगा। सो काम तो गाइज अभी बन नहीं सकता। ओके मेरे को यहाँ पे रोप्स मिले तो वो रोप्स ले लेता हूँ। तो गाइज देखो अगर आप ऐड देखोगे तो आपको गाइज एक कोल मिलेगा। रिसोर्सेस गाइज ऐड देखो, रिसोर्सेस कलेक्ट करो, मैं वो भी नहीं करूँगा। तो चलो गाइज, ओके गाइज यहाँ पे ये क्या चीज है, तो वो लगता है गाइज ये कुछ खुफिया बंकर है। ओके डोर टू द डोर ऑफ द बंकर Z52 एक्सेस की। मेरे को लगता है गाइस इस बंकर को ओपन करने के लिए मेरे को एक्सेस की चाहिए एंड वो एक्सेस की कहाँ मिलेगी एंड मेरे को पता नहीं है। तो चलो गाइस हम लोग ऐसे करते हैं ना, ये छोटा सा आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं। मे बी गाइस क्या पता मेरे को एक्सप्लोर की यही कहीं से मिल जाए। ओके एक स्टोरेज बॉक्सेस दिखा, तो चलो यार फटाफट से इस वाले स्टोरेज बॉक्सेस को ओपन करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग देखने वाले कि हमें यहाँ पे से क्या मिलेगा। सो फाइनली गाइस जो एक्सेस की हमें चाहिए थी वो फाइनली हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो गाइस अब टाइम आ चुका है फटाफट से इस बंकर को ओपन करने का और देखते हैं गाइस कि अंदर से अपने को क्या मिलता है। तो चलो इसको फटाफट से ओपन करते हैं एंड देखते हैं। चलो एक्सेस की जो है मेरे को यहाँ पे प्लेस करना है कुछ इस तरीके से। सो फाइनली वो एक्सेस की तो ओपन प्लेस कर दी है एंड फाइनली गाइस ये डोर जो है ना ये भी ओपन हो गया है। ओके लगता है गाइस यहाँ पे मेरे को ये कोई कंकाल है, पिस्टल मिला। चलो इस पिस्टल को उठाता हूँ। अरे 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 कौन है, मारना पड़ेगा। ओके यार ये तो काफी ज्यादा कमजोर इंसान था, एक गाइस मैंने हुक क्या मारा, ये तो भगवान को प्यारा हो चुका है। तो चलो इससे मेरे को थोड़ा सा फूड कैन मिला एंड यहाँ पे मेरे को इससे पिस्टल मिली। ये नोट था कुछ, क्या नोट होगा इसके बारे में, तो कुछ ज्यादा है नहीं गाइज। तो छोड़ो गाइज इस नोट को, इस नोट का हमारा कुछ काम नहीं है। ऐसे करते हैं गाइज यहाँ पे से चलते हैं, पर यार यहाँ पे मेरे को लगता है काफी ज्यादा रिसोर्सेज होगा एंड मेरे बैकपैक में गाइज इतनी लिमिट नहीं है, तो हम यहाँ से फटाफट से बाहर निकलते हैं एंड गाइज जो है ना हम कल को पूरी की पूरी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पूरा का पूरा बंकर को एक्सप्लोर करेंगे एंड आप लोगों को दिखाएंगे कि अंदर से हमें क्या क्या सामान मिलता है। एंड जो है ना गाइज अभी मैं ओनली पिस्टल लेके गया हूँ और यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं, तो चलिए हम ऐसे कहते ना यहाँ पे से फटाफट से हम लोग अपने बेस में निकलते हैं। तो चलिए गाइस फटाफट से हम अपने मैप में आ चुके हैं एंड हमारा राफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो मेरे को फास्ट ट्रेवल करना पड़ेगा। सो फाइनली यहाँ पे मैं अपनी राफ्ट में दोबारा से वापस आ चुका हूँ और देखते हैं कि अभी अपन को क्या करना है। सो फाइनली गाइस यहाँ पे हमने एक फिश पकड़ा था एंड उसको मैंने कुक कर लिया है। तो गाइस अगर आप कुक्ड फिश खाते हो तो आपका जो फूड लेवल है, फूड हंगर लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब जैसे आप फूड खाओगे तो ऑलमोस्ट फुल हो जाएगा, अगर आप रॉ मीट खाओगे तो गाइज इतना फूड लेवल इंक्रीज नहीं होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यार आप लोग कुक करो तब खाओ। ओके देखते हैं। ओके एक फिश और फंसा है, तो वाला फिश भी जो है ना मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। चलो फिर से मैं एक एंकर लगाता हूँ एंड दो तीन मिनट बाद यार एटलीस्ट एक फिश तो आ ही जाएगा।
जाके। चलो फटाफट से मैं थोड़ा सा ना वुड वगैरह फार्म करता हूँ यहाँ पे। सो फाइनली गाइस यहाँ पे काफी देर तक मैं वुड वगैरह फार्म करने लगा था, एंड उसके बाद जो है गाइस हमारे पास एक और मशीन अनलॉक हुई, तो मैंने डिसाइड करा फटाफट से यार उस मशीन को जो है ना हम क्राफ्ट करके प्लेस कर देते हैं। तो आपको दिखाता हूँ गाइस वो मशीन क्या है। तो चलो यार सबसे पहले मैं क्या बनाऊँ, ऐसे करते चलो यार अपनी राफ्ट को ना थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। सो लगता है गाइस हमारी जो राफ्ट थी वो ऑलमोस्ट यार पूरा एक्सपेंड होने वाला था, पर यहाँ पे थोड़ा सा एरिया रह चुका है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा ना वुड फार्म करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से हम हुक डाल के उसे वुड कलेक्ट करते हैं। ओके ये चेस्ट जो है ना मेरे को चाहिए थी, पर मेरे बैकपैक में इतना लिमिट नहीं है। ओके लेवल 6 हो चुका है अपना, एंड अपने गाइस यहाँ पे टॉर्च खुल चुकी है और फर्नेसेस, पर फर्नेस गाइस हम अभी नहीं बनाएंगे, फर्नेस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक गाइस मैं जो है ना थोड़ा सा अपना राफ्ट को और एक्सपेंड करता हूँ। ओके ये लगाऊंगा मैं यहाँ पे। यहाँ पे से गाइज मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करने का ट्राई करता हूँ। सो फाइनली गाइज ऑलमोस्ट मैंने अपनी राफ्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया है, और अभी मैं थोड़ा सा रिसोर्सेज कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को राफ्ट को जो है ना लगभग अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा करना है, जहाँ पे मैं इजीली डांस वगैरह कर सकूँ एंड फार्मिंग वगैरह कर सकूँ। तो अरे अरे घर गिर गया गाइज, मैं पानी के अंदर गिर गया। तो ये शार्क कैसी है गाइज देख ली, अरे अरे काटा काटा काटा। अरे गाइज ये शार्क जो है ना ये काटता भी है। तो यार चलो अपने काम पे दोबारा से लगते हैं ओनली वुड्स वगैरह कलेक्ट करने में। ओके काफी ज्यादा अमाउंट में गाइस हमने वुड वगैरह फार्म कर लिया है। लगता है गाइस हम अभी कुछ क्राफ्ट करेंगे अपने के लिए, तो वो देखते हैं गाइस क्या चीज हम क्राफ्ट करते हैं। वैसे मेरा मन जो है ना अभी पूरा राफ्ट को एक्सपेंड करने में। ये पैसा वाला चेस्ट आया गाइस, ये पैसा वाला इससे काफी अच्छा लूट मिलता है। तो देखा गाइस मैंने बोला था ना ऐसा चेस्ट मेरे को काफी ज्यादा चाहिए, तो मैं गाइस जितना भी मेरा बैकपैक में सामान है वो सारा का सारा मैं ये चेस्ट में रख देता हूँ। तो ओके गाइस यहाँ पे मेरा जो बैकपैक का सारा सामान है वो हमने चेस्ट में रख लिया है। अब कोई भी टेंशन नहीं गाइस, अगर मैं सही से मरता भी हूँ तो मेरा सामान गिरेगा नहीं। तो बजे रहो मुन्ना भाई यार, पे टू विन दूर रखो यार अपन से। ओके यहाँ पे मेरे को फार्मिंग करने के लिए बोल रहे हैं, तो देखते हैं गाइस कि फार्मिंग करने के लिए अभी अपन को क्या करना है। ओके इन सच हॉर्स कंडीशन आई नीड टू स्किल अप। ओके गाइस इसमें भी टैलेंट है क्या, लगता है गाइस मेरे को इसमें भी टैलेंट है सर्वाइवल। तो चलो गाइस फ्री में अपग्रेड कर लेते हैं, बाकी और तो गाइस हम अपग्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास यार इतना पैसा ही नहीं है कि हम इसमें पैसा लगा पाएं। तो चलिए गाइस यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं गाइस हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। सो गाइस सस्ती सर्वाइवल गेम्स हमें जो है ना सजेस्ट करिए, हम डेफिनेटली गाइस उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स गाइस फॉर योर लवली सपोर्ट। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।